अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मन्नत शाह का नॉवल मन आज हम का एपिसोड 8 सुरज गेट स्टार्टेड। वो तीनों अजहान हयात मलिक के आलीशान घर के सामने खड़े थे। जी किससे मिलना है आपको, चौकीदार ने पूछा था। हयात मलिक साहब या कबीर मलिक दोनों में से कोई भी है तो उनसे कहें कि कुछ ज़रूरी बात के सिलसिले में आपसे मिलना है और ये बात हम उनसे मिलकर ही उन्हें बता सकते हैं, सुभान ने चौकीदार को कहा था। माड़ा नाम बताओ, अपना तकरीर ना सुनाओ, हमारा साहब पहचान पूछता है, फिर हम गरीब मुफ्त में रगड़ा जाता है, चौकीदार ने नाक चढ़ाते हुए कहा था। बोलो सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर सुभान मिलना चाहते हैं, सुभान ने चौकीदार से कहा था। उसने जानबूझकर अपनी जर्नलिस्ट वाली पहचान छुपाई थी। जानता था कि अगर वो पहचान बता दी तो शायद वो उसे अपने घर के सामने भी ना खड़े होने दें, क्योंकि इस मामले में उसके वैसे ही उनसे हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे। अच्छा अच्छा ठीक है, पर ये तुम्हारे साथ बाकी दो, चौकीदार की तफ्तीश खत्म होने पर नहीं आ रही थी, ये भी डॉक्टर सी है, सुभान ने साफ झूठ बोला था। लेकिन यहाँ कोई बीमार नहीं है, अगर चंदा लेने आए हो तो सुबह आना, ये कोई वक्त है क्या, चौकीदार ने उन्हें टालना चाहा था। यार तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, हमारा इस टाइम उनसे मिलना ज़रूरी है, अब माहिर को गुस्सा आया था। इससे पहले कि वो कुछ मजीद कहता, तीन गाड़ियाँ आगे पीछे आती गेट से अंदर की जाने बढ़ गई थी और उनमें से एक गाड़ी पर हयात मलिक बैठा था। हयात मलिक ने गाड़ी से उतरते ही चौकीदार को इशारा करके अपनी तरफ बुलाया था और चौकीदार से उन लोगों के मुतालिक पूछा था। ठीक है, इन्हें लॉन वाली साइड भेजो, चौकीदार की बात सुनकर हयात मलिक ने कहा था। चलो साहब ने बुलाया है तुम लोगों को, चौकीदार उन्हें अपने हमरा अब लॉन की तरफ ले जा रहा था। सामने आलिशान कुर्सी पर टांग रखे सिगरेट पीते मक्कार चेहरा दिए बैठे हयात मलिक को देखकर सुभान ने गुस्से से अपनी मुठियाँ भिंची थी। जी तो डॉक्टर साहब, रात के 12:45 बजे किस शरीफ इंसान के घर के सामने खड़े होकर उसे डिस्टर्ब करना। जी तो डॉक्टर साहब, रात के 12:45 बजे किसी शरीफ इंसान के घर के सामने खड़े होकर उसे डिस्टर्ब करना कहाँ का इंसाफ है। ओह सॉरी डॉक्टर साहब, हक और सच के अलमबरदार सुभान फलक शब्बीर साहब, हयात मलिक ने कह कहा लगाते हुए कहा था। मेरी बहन तुम्हारे बेटे के कब्जे में है हयात मलिक, और अगर उसे ज़रा सी भी आंच आई तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तारीख याद रखेगी तुम्हें और तुम्हारे बेटे के अंजाम को, सुभान ने चिल्लाते हुए कहा था। इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव, मैं डर गया अपने अंजाम पर जनाब, इज्जत माँ सुभान फलक शब्बीर साहब। हयात मलिक ने डरने की एक्टिंग करते हुए फलक शिगाफ कह कहा छोड़ते हुए कहा, सर प्लीज़ आप अपने बेटे से पूछो उसने ज़ारा को कहाँ रखा है, मैं बहुत मजबूर होकर आया हूँ आपके पास, मैं हाथ जोड़ता हूँ हमारी मदद करें, हम गरीबों के पास एक इज्जत ही तो होती है, आप प्लीज़ रहम खाएं हम पर, शम्स साहब ने बकायदा हाथ जोड़ते हुए कहा था। ये चीज़, ये जो मजबूरी है ना साली, बड़ी डैश है, कुछ भी करवा जाती है। देखो भाई अब तुम इतना इंसिस्ट कर ही रहे हो तो मेरे ख्याल से पहले तुम ये सोचो कि तुम्हारी बेटी है, इसकी बहन है, जो भी है वट एवर, वो मेरे बेटे तक पहुंची कैसे। अरे सीधी सी बात है, उसका पैसा देखकर उसकी गोद में लुड़की होगी, उसके घर तो वो गया नहीं होगा उसको उठाने, और फिर जवान हून है दोनों कि आ जाएगी खुद ही घर। हयात मलिक ने हब्बासत चेहरे पर सजाते अपनी दाढ़ी खुचाते हुए कहा था। शट अप हयात मलिक, मेरी बहन का किरदार पामाल करने की इजाज़त तुम्हें किसने दी, सुभान ने धाड़ते हुए हयात मलिक का कॉलर पकड़ा था। सुभान जोश से नहीं होश से काम लो, माहिर ने आगे बढ़कर सुभान से उसका कॉलर छुड़वाया था। बताओ इसे यार कितना शफाफ है उसका किरदार और मैार, सुभान की आंखों में नमी आई थी, बहुत गर्म हून है, इम्प्रेसिव, हयात मलिक ने कॉलर छाड़ते हुए कहा था। देखे सर हम आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, इस टाइम आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं, आप प्लीज़ हमारी मदद करें। माहिर ने भी बेबसी से इल्तजा की थी, वो जानता था कि अगर जोश से काम लिया तो ज़ारा के हक में बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। जो कुछ ये तुम्हारा पागल डॉक्टर मेरे साथ कर चुका है उसके बाद भी तुम मुझसे किसी अच्छाई की उम्मीद रखते हो तो मुझे सवाए हंसी के और कुछ नहीं आने वाला, वो फिर से हबासत से हंसा था। प्लीज़ सर मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, प्लीज़, शम्स साहब की आंखों में नमी आई थी। ठीक है तो सिर्फ तुम्हारे लिए यार, मैं उस लड़की की जान की गारंटी देता हूँ, इज्जत की नहीं, अब ऐसी उम्र में छोटी मोटी गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, कुछ दिनों तक वो लड़की पहुंच जाएगी अपने घर। हयात मलिक के दिल में रहम नहीं आया था। हयात मलिक, मैं उसे अब ही साथ लेकर जाने के लिए आया हूँ और उसे साथ लिए बगैर मैं नहीं जाऊँगा, उसकी इज्जत पर हर्फ भी आया ना तो तुझे एक इबरतनाक सजा और कुत्ते के तौर पर जानेगी दुनिया, सुभान ने फिर से उसे गर्दन से दबोचा था और हयात मलिक के गार्ड्स ने उस पर गन्स तानी थी।
नहीं यार, क्या कर रहे हो, मर जाएगा हमारा हकलाया हुआ जर्नलिस्ट, नाम निहाद सच्चाई की तंजीम का अलमबरदार, और तुम लोग एक अजीम आदमी से महरूम हो जाओगे। ना ना, नीचे करो। हयात मलिक ने गार्ड्स को रोका था। मुझे खुशी हुई तुम्हारे गर्म खून के अताप का लड़खड़ाता निशाना बनकर। तुम्हारा हाल इस टाइम वो है कि मैं हूँ मजबूर लैला। क्या यार, बहुत टाइम ज़ाया करवा दिया तुम लोगों ने मेरा। हयात मलिक ने हाथ पर बंधी घड़ी दे हुए कहा, चौकीदार फारिग करवाओ इन्हें, और तुम आगाज़ तुमने किया है, अंजाम के लिए तैयार रहना, बड़ा मज़ा आने वाला है इस सर्द जंग का। हयात मलिक ने सुभान की तरफ इशारा करते हुए कहा था, शेरे इनके मोबाइल और ड्रेस चेक करके भेजना भाई, हकलाया हुआ पागल जर्नलिस्ट है क्या पता रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हो, हमें मोहतात रहना है, कहते मलिक। हयात मलिक ने वहां से कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए थे। सुभान ने अपने हाथ का मुक्का बनाकर कुर्सी की पुश्त पर मारा था बेबसी से, अपनी फ्रस्ट्रेशन वो अब ऐसे ही निकाल सकता था। अजहान, हयात मलिक इतना जुल्म करो मुझ पर जितना कल को तुम खुद पर बर्दाश्त कर सको, उतना गिराओ खुद को मेरी नज़र में कि शायद मैं कभी तुम्हें माफ़ कर सकूं, अल्लाह की रजा की खातिर। वो कमरे से बाहर गया था तो उसने अपने चक्राते सर को पकड़कर कहा था, तो ये था तुम्हारा नसीब ज़ारा दुरैद, इसलिए तुमने खुद को सींच सींच कर संभाल कर रखा था कि आसान हयात मलिक जैसा शख्स तुम्हारे ऊपर अपना जुनून उतार कर तुम्हें गंदा कर सके, तुम्हारी रूह को मजरूह कर सके, तुम्हारे जिस्म से अपने नफ्स की प्यास बुझा सके। जाने कितने आंसू वो सुबह से बहा चुकी थी। एक आखिरी उम्मीद के तहत उसने कमरे के हैंडल को घुमाया था कि शायद दरवाज़ा खुल जाएगा। फकीरा 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 आंटी, हक नवाज अंकल, प्लीज़ खोलो इसे, मुझे निकालो इस जहन्नुम से बाहर, प्लीज़ खोलो, वो आवाज़ें देते हुए वहीं चकरा कर फिर से गिरी थी। आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, जीवन से जाना नहीं, मैं जवान मैं हसीन मेरे साथ क्या नहीं, हो। बैंस टूटी फूटी उर्दू में इतने हसीन गाने का जनाजा निकाल रही थी, मेरे साथ क्या नहीं, ये नहीं है मेरे पास क्या नहीं, ये है लिरिक्स। नशरा ने किताब से नजरें उठाकर गुस्से से बैंस की तरफ देखते अपने हसीन पाकिस्तानी गाने के लिरिक्स का जनाजा कंधे पर उठाते हुए उसकी तस्हीह करवाई थी। आखिर मुहिब वतन थी और फिर नाजिया हसन उसकी फेवरेट पॉप सिंगर थी, क्या था कि वो ओल्ड म्यूजिक की लवर थी और ये सॉन्ग उसने ही बैंस को याद करवाया था गुनगुना कर, और अब उसे लग रहा था उसने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने हसीन लिरिक्स उसके हाथों तोड़वा कर। या मेरे पास क्या नहीं, इट्स करेक्ट, बेंस ने बालों का जूड़ा बनाकर कोट पहनते हुए कहा और फिर मिरर के सामने खड़े होकर फाइनल टच दिया था अपनी तैयारी को। हैरी की तैयारी की, इसलिए बेंस चार्ल्स, नशरा ने उसको खोजती नजरों से देखते हुए कहा था। वो निशु, आज मेरी फर्स्ट डेट है एबिक के साथ, उसने अपने सफ़ेद चेहरे को लाल टमाटर शर्म से बनाते हुए कहा था। ची बेंस चार्ल्स, ये एबिक वही है ना जिससे तुम्हारा उस दिन बड़ा ही कोई संगीन फड्डा हुआ था मैनचेस्टर लाइब्रेरी में, नशरा ने हैरान होते हुए कहा था। नशरा, वो शर्मिंदा है, उसने मुझसे माफ़ी मांगी है, मैं माफ़ कर चुकी हूँ उससे, उसका दिल साफ है, बेंस ने मुस्कुराते हुए कहा था। पिछले 2 साल से डल्टन तुमसे माफ़ी मांग रहा है, तुमने आज तक उससे तो माफ़ नहीं किया, तुम्हारा मसला पता है क्या है, तुम्हें खरे खोटे की पहचान नहीं है, नशरा ने उसे हकीकत का आईना दिखाया था। ओ प्लीज़ हनी, मेरा मूड स्पॉइल मत करो, उस जैबरे का नाम लेकर मुझे चिढ़ है उससे, बेंस ने इतना गंदा मुंह बनाया था डेल्टन के नाम से, और अपना बैग उठाकर बाहर की तरफ बढ़ी थी। लिख लो बेंस, वो तुम्हें बुरी तरह फंसाएगा, उसने पीछे से ऊंची आवाज़ लगाई थी। विश मी गुड लक हनी, उसने मुड़े बगैर ऊंची आवाज़ में कहा था। विश यू वेरी बैड लक बेंस, बल्कि बेंस शेजान, नशरा ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा था। अल्लाह पाक, आपने भी सारे उल्टी खोपड़ी के तोहफे मेरे नसीब में लिखे थे। असहान हयात मलिक, जालिम बेलगाम घोड़ा, अरहान कबीर मलिक, एटीट्यूड किंग, बेंस चार्ल्स बेवकूफ गधी, डेल्टन माइकल मासूम गधा, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। बस एक चीज सब में मुश्तरक है, सब के सब उल्टी खोपड़ी के हैं, उसने मुस्कुराते हुए बुक बंद की थी। किधर हो तुम? पापा, पार्टी मीटिंग में हूँ हैरियत, असहान ने फोन पर बताते पूछा था। तुम्हें पता है असहान इलेक्शन सर पर है और तुम ये क्या लड़कियाँ उठवाते फिर रहे हो? कोई स्कैंडल नहीं चाहता मैं, मुझे ये सीट हर हाल में चाहिए, मैं कोई रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता मजीद।
हयात मलिक ने उसे पार्टी का टिकट कितना अहम है बावर करवाया था। पापा आपको मुझ पर यकीन नहीं है क्या? इस बार भी जीत हमारी होगी। जानता हूँ अपने शेर पर पूरा यकीन है मुझे, मगर जो भी करो बड़ी राजदारी से करो। मीडिया बौखलाया हुआ है, हर वक्त की टो में है, किसी भी किस्म का कोई रिस्क ना लेना, उन्होंने उसे समझाया था। पापा कुछ नहीं होगा, दो चार कुत्तों के भौंकने से पहले कोई फर्क पड़ा है जो अब पड़ेगा, उसने हंसते हुए कहा था। जो भी करना है उस लड़की के साथ जल्दी करो और मामला रफा दफा करो। जी पापा डोंट वरी, आपको किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, उसने ताबेदारी से कहा था। और ये कुछ माँ के लिए दूसरी औरतों से करारा कशी एहतियार कर लो, 10 दिन बाद शादी है तुम्हारी, ठीक कर लो खुद को, वरना फिर तुम्हारी माँ मुझे नहीं बख्शेगी। अगर उसकी भांजी पर कोई आंच आई तो, उन्होंने उससे फिर से समझाया था। और शादी का नाम सुनकर अजहान की आंखों के सामने सारा का चेहरा लहराया था, वो खो गया था पल भर में उन रोती आंखों में। अजहान तुम सुन रहे हो? हेलो जी पापा डोंट वरी, हरीम की खुशियों पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा इंशाल्लाह, उसने कहते फोन रखा था और हकनवास को कॉल मिलाई थी। ज़ारा ठीक है हकनवास? गैर इरादी तौर पर उसने उसके कॉल उठाते ही पूछा था। जी छोटे मलिक, फकीरा जा रही है उसके पास, हकनवास ने इतला दी थी। उनके पास इज्जत हकनवास, इज्जत से बुलाओ उसे। क्या कहा था मैंने तुम्हें, वो तुम्हारी नई बेगम साहिबा है। जी छोटे मलिक, हकनवास ने थूक निकला था। जाओ और उसकी हालत के बारे में मुझे फोन करके इतला दो, मैं घंटे तक पहुंच जाऊंगा फार्म हाउस, उसने उसे बताते कॉल डिस्कनेक्ट की थी। आह लंगड़ी शेरनी, एक पल भी किसी काम में दिल नहीं लग रहा मेरा, उसने लंबी सांस लेते कहा था। सो लिसनर्स, दिस वाज द एंड ऑफ दिस पार्ट। लिसनर्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नॉवेल्स एंड एपिसोड्स। थैंक यू।